आज मैं आपको एक ऐसी मछली के बारे में बताऊंगा जिसकी ब्लैक मार्केट में 2,25,00,000 रुपए कीमत है, क्योंकि चाइना में ऐसा माना जाता है कि इस मछली को घर में रखने से तरक्की होती है, पैसा आता है, संपत्ति बढ़ती है और फैमिली में प्यार बढ़ता है। और इस मछली की एक खासियत ये भी है कि नर मछली यानी मेल फिश अपने अंडों को मुँह में 50 दिन तक रखती है। इन 50 दिनों तक ये नर मछली कुछ भी नहीं खाती। जब तक बच्चे इस लायक नहीं हो जाती कि वो खुद अपना खाना पीना खोज सके और सुरक्षित रह सके, तब तक ये नर मछली उनका ख्याल रखता है। अगर कोई खतरा महसूस होता है तो ये अपने बच्चों को वापस अपने मुंह में रख लेता है। इस मछली का नाम एरोवेना फिश है। इसे ड्रैगन फिश और मंकी फिश भी बोलते हैं, क्योंकि ये अपने शिकार पर बंदर जैसे हमला करती है। एरोवेना की कई प्रजातियां हैं, लेकिन सबसे ज्यादा मांग एशियन एरोवेना की होती है। ये सबसे ज्यादा साउथ एशिया में पाई जाती हैं। इनके अलग अलग रंग होने की वजह से अलग अलग नाम भी हैं। ये ग्रीन, रेड, गोल्डन, सिल्वर, ब्लू रंग के भी होते हैं, जिसमें ग्रीन कलर की सबसे ज्यादा मिलती है। ये इंडोनेशिया, वियतनाम, म्यांमार, थाईलैंड, कंबोडिया और मलेशिया में भी मिलते हैं। वहीं सिल्वर एशियन ब्रुनोई में पाई जाती है। एरोवेना फिश साइज में 35 इंच तक बढ़ती है, इसलिए इसको रखने के लिए बड़े एक्वेरियम में रखा जाता है, जहां का टेम्परेचर 24 से 30 डिग्री सेल्सियस होता है। ये फिश 3 से 4 साल में एक बार संबंध बनाते हैं। फीमेल एरोवेना एक बार में 30 से 100 अंडे देती है, जो दूसरे मछली के अंडों से थोड़ा बड़ा होता है। जैसे ही मादा अंडे को बाहर निकालती है, वैसे ही नर उन्हें उठाकर अपने मुंह में रख लेता है। इस प्रोसेस को माउथ ब्रूडिंग कहते हैं। इसी खासियत और मान्यता की वजह से इस मछली का ज्यादा शिकार हो रहा है। एशियन एरोवेना फिश को ICUN यानी इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर ने 2006 में रेड लिस्ट पे डाल चुका है। मछलियों के व्यापार की इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन साइट्स यानी कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा ने इसके बिजनेस को बैन कर रखा है, लेकिन ब्लैक मार्केट में इसे लाखों करोड़ों रुपए में बेचा जाता है। इसका हर साल 1482 करोड़ रुपए का बिजनेस होता है। दुनिया भर में 350 से ज्यादा एरोवेना फिश फार्म है, लेकिन ज्यादातर साइट्स पे रजिस्टर नहीं है। इसके शरीर पर दिखने वाली गोल्डन, रेड और ब्लैक सेल्स इसकी कीमत और बढ़ा देती हैं। ये चीन में ड्रैगन से मिलती जुलती है, इसलिए इसे साउथ ईस्ट एशिया में पवित्र माना जाता है, इसलिए इसे ड्रैगन फिश भी बोला जाता है। तो दोस्तों, ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी कमेंट्स करके जरूर बताएं। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी हो या ना हो ये अलग बात है, मगर आप लाइक ना करें ये गलत बात है। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको नोटिफिकेशन और मुझे मोटिवेशन मिलती रहे।